गाइस आफ्टर की मोनेस्ट्री जो सेकंड गेट आता है यहाँ से नीचे को राइट को जो रास्ता जा रहा है दैट इज फॉर केबर। तो यहाँ से भाई 14 मिनट का रास्ता है 5.5 किलोमीटर। सो लेट्स गो टू केबर। मुझे लगा वाइट थार है, जिप्सी थी। सो भाई रास्ता देख लो, रोड तो फिलहाल ठीक ही है और बस पतली है तो वन वे है भाई ये भी। तो जब तक खाली दिख रही है तब तक खींच लो गाड़ी, क्योंकि अगर सामने से कोई आ गया तो फिर दिक्कत होती ही होती है भाई। अगर आपको दिख रहा है कि आपके पास जगह है तो भाई पहले ही रोक लो, इससे पहले कि आपको बैक आना पड़े, क्योंकि बैक ऐसी रोड पर यार बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है अंटिल यू आर प्रो। सो गाइस ये देखो डूज एंड डोंट्स इन केबर प्रोटेक्टेड एरिया, और ये है भाई सामने केबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेलकम्स, और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। सो यहाँ पे यार मोस्टली विंटर्स के टाइम पे, मतलब स्पेसिफिक पीरियड है आई बिलीव अगस्त ऑनवर्ड्स, जब आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है। सो गाइस ये है पूरा केबर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भाई, घर बहुत ज़्यादा सुंदर है इस तरफ। सो अपन को ज़्यादा आइडिया है नहीं यहाँ पे घूमने के लिए क्या है क्या नहीं है। सो अगर कोई लोकल दिखता है तो भाई उससे बात करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ क्या क्या घूम सकते हैं। सो नीचे लोग दिख रहे हैं वैसे, बात करके देखते हैं, चलते हैं नीचे थोड़ा पूछा जाए क्या क्या, क्योंकि अपने को भी बिल्कुल आइडिया है नहीं यहाँ पे। भाई साहब केबर विलेज यही है? अच्छा यहाँ घूमने के लिए क्या है आसपास? कुछ नहीं है ज्यादा। मंदिर कहाँ पे है? ये रास्ता गाड़ी जाती है वहाँ तक? अच्छा किसका टेम मंदिर है ये? चीचम ब्रिज का भी यही रास्ता है ना? अच्छा 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 ठीक है। और बाकी जो स्नो लेपर्ड है वो अभी दिखता नहीं है ना यहाँ पे? अच्छा आप लोग क्या कर रहे हो? तो ये साग बीज रहे। साग कौन सा साग? पालक। पालक का? अच्छा ठीक है थैंक यू। सो गाइस वो सामने गोंपा से नीचे उतर के अपन यहाँ पे आ गए हैं जहाँ से केबर विलेज पूरा दिखाई देता है, एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हमारी अभी लोकल से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि भाई ज़्यादा कुछ घूमने के लिए यहाँ पे है नहीं, बस एक यहाँ पे टेम्पल है वहाँ जाना है तो वहाँ जा सकते हो, नहीं तो सीधे चीचम ब्रिज जा सकते हैं। बट ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है, विल ट्राई टू शूट इट बाय इंसा 360, काफ़ी अच्छा शूट होगा उससे। सो गाइस हम लोग निकल रहे हैं ऊपर की तरफ और इंसा 360 से शॉट्स ले रहे हैं, और यहाँ देखो सामने बाउंडर दिखा, बाउंडर दिख गया मुझे। सो विल ट्राई टू ड्राइव एज स्लो एज वी कैन ताकि इंसा 360 से बढ़िया से पूरा का पूरा विलेज अपन रिकॉर्ड कर सके।
लव यू। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो, काफी ज्यादा सही है। हम जा रहे हैं चीचों के लिए। फिलहाल यार रोड बहुत अच्छी है, नज़ारे बहुत अच्छे हैं, सामने पहाड़ देखो बर्फ वाले यार। मतलब पिछले 3-4 महीने से जो वेकेशन नहीं लिया था ना मैंने, वो इस ट्रिप ने पूरा कर दिया यार। बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। रास्ता नीचे वाला है शायद, नीचे ये नीचे वाला रास्ता है। सो सामने यार पूरा यहाँ पे खेती होती है ज़्यादातर लोगों की, और खेत देखो सामने कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं यार। अलग ही रेंज है ये, वो छोटे वाली इंस्टेक में वो लगाना Insta360, मैं पकड़ लूँगा इधर से। सो भाई हम लोग जा रहे हैं चीचम ब्रिज, और नीचे उतरते वक्त यहाँ यार देखो अपने पीछे बिल्कुल पास में पहुँच गए खेतों के, तो सोचा क्यों ना एक राउंड यार खेतों का भी मार लिया जाए थोड़ा बहुत। सो थोड़ा बहुत नीचे जा रहे हैं, बस यहीं पे बगल में ही खेत हैं, तो सोचा यार एक बार एक पास में जाया जाए खेतों के और आपको दिखाया जाए ये नज़ारे हैं भाई। यहाँ पर पता नहीं अभी प्याज बोया हुआ है या लहसुन बोया हुआ है, शायद ऐसा ही लग रहा है दिखने में तो। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, देखो एक बार चारों तरफ। अमेजिंग। सो कुछ फोटो लेते हैं, कुछ रील्स बनाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइज ये नज़ारा देखो यार एक बार, सामने पहाड़ देखो जो कि बिल्कुल अलग ही कलर है, अलग ही टेक्सचर है। फिर राइट में देखो अलग टेक्सचर, उसके ऊपर स्नो है। फिर यहाँ देखो बिल्कुल डेजर्ट वाले। सो यार बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है ये, और यहाँ आने का यार सपना, स्पीति पूरा करने का सपना जो था ना भाई, वो पूरा हो रहा है, हो ही गया। मतलब ऑलमोस्ट यार थोड़ा सा पार्ट रहता है जो मनाली वाला रूट है वो हम नहीं कर पा रहे फिलहाल अभी, बट फिर भी अच्छा खासा हम लोगों ने कवर किया है। और नीचे यार चीचम ब्रिज हमें दिख चुका है, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा ब्रिज है यार ये। सो अभी नीचे चल के आपको चीचम ब्रिज दिखाते हैं, इस पर रील बनाई जाएगी बहुत सारी, और उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। सो अभी फिलहाल यही जो रोड है यही फॉलो करते हुए नीचे ब्रिज तक पहुंचते हैं एक बार, और फिर आपको नज़ारा दिखाते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई इस तरफ, जीना बंद कर लो, वो ठंड कोल्ड लग जाएगा, जाकर जैकेट डाल लो। तो यार लोग यहाँ पे ट्रैक करके भी आ रहे हैं कुछ कुछ,
जो आसपास रुके होंगे। यहाँ पे कोई ट्रैकिंग पॉइंट भी होगा, ट्रैक करके आ रहे हैं। और इनके जज्बे को सलाम है यार, लिटरली भाई यहाँ गाड़ी लेके आना भी इतना आसान नहीं है जितना आप लोगों को वीडियो में, बिकॉज नॉर्मली जब आप वीडियो देखते हो यार 20 मिनट का ब्लॉग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट का ब्लॉग दिखा देंगे बोले, बट जो बीच में ख़तरनाक रास्ते आते हैं ना वो कोई नहीं दिखाता। सो मैं अपने ब्लॉग में भाई एकदम सारी चीज़ शेयर करता हूँ ताकि अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम आने की सोच रहा है तो एक बार पूरा ब्लॉग देख ले, उसको एक आइडिया मिल जाए कि भाई ऐसी रोड होने वाली है एंड आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो भाई आ गया है चीचम ब्रिज अपने सामने। सो गाइस हम लोग हैं इस वक्त चीचम ब्रिज में और यार ये देखो नज़ारे, दुनिया जहान आई है यहाँ पर भाई फोटो वीडियो और रील्स बनाने के लिए, बिकॉज जगह ही कुछ ऐसी है यार। तो भी नीचे आएंगे गाइस, पहले थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ से थोड़ा ऊपर का भी रास्ता है, ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं, ऊपर से देखेंगे पूरा नज़ारा, रिकॉर्ड करेंगे आपको भी दिखाएंगे। हाइट काफ़ी ज़्यादा है भाई, पहले दूसरे के रुपये चढ़ रही गाड़ी यहाँ पे। गाइस ये है चीचम ब्रिज और मैं अभी यार यहाँ तक चला गया था देखने के लिए कि गाड़ी का रास्ता है कि नहीं है। रास्ता है पूरा ऑफ रोड है, एक जगह हल्का सा पैच है जो ज़्यादा ही डेंजरस है, इसलिए गाड़ी नहीं लेके जा रहा वहाँ पे। बाकी ये चीचम ब्रिज है यार, एशियाज हाईएस्ट ब्रिज और ये पूरी लोकेशन है। मेरे पीछे देखो वहाँ चीचम ब्रिज है और आसपास ये पूरा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। तो अभी यार नीचे जाएंगे, नीचे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ टाइप मोबाइल कैफ़ेज़ हैं जो वैन में होता है इन सब जगहों पे। तो अभी नीचे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं पास से नज़ारे, थोड़ी रील वील बनाई जाए वहाँ जाके। चलते हैं नीचे की तरफ। फिलहाल भाई सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है यहाँ पे। और यार ये देखो एक बार सामने का नज़ारा देखो, है ना ब्यूटी। सो गाइज फाइनली वी हैव रीच्ड चीचम ब्रिज और बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा है यार यहाँ से। और यहाँ से आपको नीचे का एक बार व्यू दिखाना चाहता हूँ मैं, जिसके लिए स्पेसिफिकली मैंने अपना कैमरा निकाला है। सो नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई, बहुत ज़्यादा हाइट में है इस वक्त हम लोग और सामने किब्बर है वो जो आपको दिख रहा है वहाँ पर। आसपास पूरे स्नो माउंटेन्स हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंडा है भाई यहाँ पे, हवा चल रही है बस काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो कोशिश करो भाई जैकेट वैकेट वॉर्म कपड़े अपने लेके आओ। सस्पेंशन ब्रिज है, मैंने तो दो तीन बार गाड़ी के चक्कर काट के रील भी बना ली,
जो आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, है ना गोलू? इधर देखो, और फिलहाल वॉक कर रहे हैं चीचम ब्रिज पे। आगे जाके यार कुछ मोबाइल कैफेज हैं, सो वैन टाइप, तो विल सी कि कुछ खाते हैं वहाँ से और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। सो भाई यहाँ पे रिफ्रेशमेंट मिल जाएगी आपको, चाय कॉफ़ी, और इस तरफ मोबाइल कैफेज हैं। सो इधर पूरा पार्किंग एरिया है, चाहो तो यहाँ ऊपर भी जा सकते हो, पीछे से वॉक करके यहाँ से ट्रैक करके जा सकते हो, नहीं तो गाड़ी लेके ऊपर तक जा सकते हो, वहाँ थोड़ा सा वॉक कर सकते हो। सो ये पूरा नज़ारा है। सो भाई यहाँ पे मस्त बैठ के अपन मैगी इंजॉय कर रहे हैं बहुत ही अच्छे व्यू के साथ। सो खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस फाइनली चीचम ब्रिज पे, यार मज़ा आ गया, और एशिया का हाईएस्ट ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज है, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी ज़्यादा फोटोज और रील बनाई है यहाँ पे, इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर देखना। फिलहाल यार ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया, तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, आई होप ये स्मृति की सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही हो। अगर नहीं देखे तो बाकी सारे व्लॉग्स पीछे हैं भाई, वो भी देख लेना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है यार यहाँ तक आने के लिए, इतने हाई अल्टीट्यूड में बात करने के लिए, सांस फूल रही है अभी भी। सो इस बात पे तो यार प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ए फेस। आज के लिए इतना ही, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।